हाय एवरीवन, वेलकम बैक। करेंगे इन्वर्टेड हैमर की, जो मैंने इन्वर्टेड हैमर का पार्ट वन जिसने नहीं देखा है यहाँ पर यूट्यूब पार्ट वन देख सकते हैं, क्योंकि अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो आपको सेकंड पार्ट समझ नहीं आएगा। तो आज की वीडियो में हम लाइव मार्केट लाइव चार्ट में देखेंगे कि इन्वर्टेड हैमर कैसे फॉर्म होता है, किस तरह से उसके ऊपर हमको ट्रेड करना है और किस तरह से हमको टारगेट लगाना है और स्टॉप लॉस लगाना है। तो अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो भी मैं थोड़ा एक बेसिक्स आपको बता देता हूँ कि इन्वर्टेड हैमर क्या होता है, कैसा दिखता है। तो इन्वर्टेड हैमर बेसिकली हमारा डाउन ट्रेंड में बनता है, जो कि इस तरह से दिखता है हमें डाउन ट्रेंड में, ठीक। तो ये रेड और ग्रीन किसी भी कलर का हो सकता है, इसके ऊपर हमको एंट्री करनी होती है, इसके डाउन साइड में हमारा स्टॉप लॉस होता है। तो अब हम लाइव मार्केट में देखते हैं कि किस तरह से हमको इसमें ट्रेड करना है और किस तरह से इसके लेवल्स अचीव होते हैं और ये वर्क करता भी है कि नहीं करता है, ठीक है। तो एक सेकंड, पहले हम इनको देखें। तो आइए, तो आज है हमारी 12 जून, तो ये अभी 12 जून का हमारा लाइव चार्ट चल रहा है। तो इसके बाद हम चेक करते हैं कि किस तरह से इसमें हमको ट्रेड करना है और किस तरह से नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा हम स्मॉल में कर लेते हैं। मैं मैक्सिमम टाइम 10 मिनट का चार्ट प्रेफर करता हूँ, तो मैं आपको अभी भी 10 मिनट के चार्ट में बताऊंगा कि किस तरह से ट्रेड करना है, ठीक है। तो मेनली अगर आप देखेंगे तो ये तो आज का दिन है, आज के दिन की हम बात नहीं करेंगे, पर अगर आप एक सेकंड अगर आप ध्यान दोगे कि यहाँ पे भी एक इन्वर्टेड हैमर हमारा फॉर्म हुआ है, ये हमारा इन्वर्टेड हैमर फॉर्म हुआ है। अगर आपने इसके ऊपर एंट्री करते तो हमारा 1:3 इजीली अचीव हो जाता और इसका डाउन साइड में हमारा स्टॉप लॉस था। थोड़ा और बैक डेट में अगर हम जाते हैं तो हम 11 जून का देखते हैं, पिछले दिन में मार्केट यहां से डाउन ट्रेंड में थी, मॉर्निंग में भी डाउन में ओपन होके यहां पर अगेन हमारा इन्वर्टेड हैमर फॉर्म हुआ है। इसके ये इन्वर्टेड हमारा यहां पर फॉर्म हुआ है, इसके ऊपर हमको एंट्री करनी है, इसके नीचे का हमारा स्टॉप लॉस है। और मैं एक चीज आपको क्लियर बता देता हूँ, जो भी हम आपको मार्केट में सिखाते हैं या जितनी भी आप बुक्स रीड करते हो, तो वहां पर एक प्रॉपर इन्वर्टेड हैमर बना होता है, जो कि एकदम प्रॉपर शेप में होता है, प्रॉपर डाउन ट्रेंड में होता है, पर कभी भी लाइव मार्केट में ऐसा नहीं होता है। आपको प्रॉपर डाउन ट्रेंड में नहीं मिलता, बहुत कम चांसेस होंगे कि आपको प्रॉपर डाउन ट्रेंड में मिल जाएगा, नहीं तो मैक्सिमम टाइम आपको ऊपर नीचे जब जिस तरह ये है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर डाउन ट्रेंड में नहीं है, यहाँ पर भी प्रॉपर डाउन ट्रेंड में नहीं है, तो इसके अगली कैंडल में तो हमारा हैमर टाइप का बन गया है, पर हमको फाइंड करना पड़ता है जो कि आपको एक्सपीरियंस के साथ आएगा। अगर आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपको कोई भी एक दो कैंडल को पकड़कर उनके साथ कम से कम 6-7 महीने ट्रेड करना है, ताकि आपको उनकी कैंडल का बिहेवियर का पता लग सके और ये पता लग सके किस ट्रेंड में मार्केट में किस तरह से हैमर हैंगिंग मैन या कोई भी आप जो कैंडल फॉलो करते हो किस तरह से बनता है। तो कभी भी मेरा सिर्फ ये मतलब बताने की कभी भी एकदम प्रॉपर आपको कैंडल नहीं दिखेगी जो कि लाइक शूटिंग स्टार या जिस तरह से मैं कैंडल बना रहा हूँ वैसा कभी नहीं दिखती, ये हमेशा अलग ही टाइप से बनती है। कभी भी आपको डायरेक्ट एंट्री नहीं मिलती, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है बहुत मुश्किल से कि ये इन्वर्टेड हैमर ही है, डाउन ट्रेंड में है, एक दो कैंडल ऊपर नीचे होती है वो मैटर नहीं करता, पर हैंगिंग मैन अपना इन्वर्टेड हैमर बनना जरूरी है। तो ये 2 दिन करते तो हम प्रॉफिटेबल होते। तो इसके बाद अगर हम इन्वर्टेड हैमर की बात करें, यहाँ डाउन ट्रेंड में कहीं भी इन्वर्टेड हैमर नहीं बना है हमारा, और डेज की बात करें यहाँ पर भी हमारा इन्वर्टेड हैमर नहीं बना है। तो एक्सपीरियंस के साथ होगा कि एक्सपीरियंस के साथ ऐसा टाइम भी आएगा आपका कि जब आप देख कर ये बता दोगे इन्वर्टेड हैमर कहीं बना है या नहीं बना है। और ये कैंडल्स डेली नहीं बनती है हमारी, ये कैंडल हमारी 10 दिन में से 3 या 4 ही दिन बनती है। इसी मैं आपको बोल रहा हूँ कि 2 या 3 कैंडल हमेशा फॉलो करना, लाइक चाहे आप शूटिंग स्टार कर लो, हैमर कर लो, हैंगिंग मैन कर लो, इनसाइट कर लो, 2-3 कैंडल आप हमेशा फॉलो करना, ताकि दिन में उनमें से कोई भी एक कैंडल बने तो आप प्रॉफिटेबल हो सको। तो यहाँ पर भी हमारा हैंगिंग मैन फॉर्म नहीं हुआ है। अगर हम थोड़ा और बैक डेट में आए तो ये अपना डाउन ट्रेंड आया, यहाँ पर कोई भी नहीं बना है, ये यहाँ पर हमारा डाउन ट्रेंड आया, यहाँ पर भी हमारा कोई इन्वर्टेड हैमर नहीं बना है, यहाँ भी कोई इन्वर्टेड हैमर नहीं बना है हमारा। बेसिकली ये क्या होता है कि जब अच्छा खासा डाउन ट्रेंड आता है 150, 200, 300 पॉइंट का, तब ये डाउन साइड पर फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पर एक ही अपना बना है वेट। तो जैसा मैंने आपको बताया कि कभी भी 110% कोई भी कैंडल सेम नहीं दिखती है, ठीक है। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है
ये भी वन काइंड ऑफ, नो, ये भी नहीं बना है अपना प्लेट, ये भी नहीं है अपना इन्वर्टेड हैमर, यहाँ पर भी नहीं बना है अपना इन, हाँ ये देखिए यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर बना है पर हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। जैसे कि मैंने आपको कहा था रेड और ग्रीन कोई मैटर नहीं करता किस में है, हमको इस कैंडल के, एक सेकंड, हमको इसके ऊपर बाय करना था, इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस होता जो कि यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। अब थोड़ा एक्सपीरियंस किया था, अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, तो यहाँ से अप ट्रेंड हुआ था, यहाँ से डाउन ट्रेंड आया, तो यहाँ पर हमारा इन्वर्टेड हैमर फॉर्म हुआ है, यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर फॉर्म हुआ है, इसके ऊपर आपको एंट्री करनी थी तो अच्छा खासा आपको 1:3 अचीव हो जाता है यहाँ पर। तो इसको क्या होता है कि अगर आप एक ही कैंडल को बार बार फॉलो करेंगे तो आपको उसका बिहेवियर भी पता लग जाएगा और आपको ये भी पता लग जाएगी कब इसने बनना है, तो उस हिसाब से आप अपने प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर भी अपना कहीं नहीं बना है इन्वर्टेड हैमर, यहाँ भी इन्वर्टेड हैमर नहीं बना है। तो अगर मेरे बदले अगर आप देखोगे तो आपको काफ़ी ध्यान से देखना पड़ेगा चार्ट्स को कि फॉर्म हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन इसके साथ साथ हमको थोड़ा आइडिया थोड़ा अच्छा हो जाता है कि कब इन्वर्टेड हैमर फॉर्म हो रहा है और कब नहीं हो रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर हमारा फॉर्म हुआ है बेटा, यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में थी, डाउन आया फिर अप साइड गई, फिर यहाँ पे हमारे दो इन्वर्टेड हैमर बने हैं प्रॉपर एकदम। तो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये देखिए एक ये वाली कैंडल इन्वर्टेड हैमर है हमारी ये वाली, तो इसके ऊपर अगर आप एंट्री करते तो आपको अच्छा खासा यहाँ पे 1:546 अचीव हो जाता। एक ये हो गया, एक कैंडल और कहीं देखने की कोशिश करते हैं, अगर कहीं बनती है फिर वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी अगर आप कोई कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं या आपकी कोई क्वेरी हो जो आपको समझ नहीं आ रहा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा और उसके बारे में बताऊंगा कि किस तरह से आपको उसमें ट्रेड करना है। बस ये सारा गेम एक्सपीरियंस का, जितना आप एक्सपीरियंस गेन करोगे मार्केट में उतना आप प्रॉफिटेबल रहोगे। ठीक है, तो एक बार ये कैंडल देख लेते हैं, यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ हमारा और ये हमारा यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर फॉर्म हो चुका है, ये हमारी इन्वर्टेड हैमर फॉर्म हो गई, इसके ऊपर अगर आप बाई करते तो आपको 1:3 इजीली अचीव हो जाता। तो गाइज ये है, और अगर आपने मेरी इन्वर्टेड हैमर का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप, तो उसके बाद जब आप मेरा ये बैक टेस्टिंग वाला पार्ट देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। बाकी इसके बाद आप मुझे बताइए मैं हैमर कैंडल पर बनाऊँ कि मैं बनाऊँ हैंगिंग मैन पर, हैमर और हैंगिंग मैन, बाकी आप जैसा बोलते हो मैं वैसे वैसे आपके सामने वीडियो बनाता रहूँगा। और मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है अपनी, यहाँ पर आप जाकर